तो सर, एक गैलेक्सी की जो है नई डिस्कवरी हुई है, सो उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमें बताएं। वो जो नया एग्जोटिक गैलेक्सी हम डिस्कवर किए हैं, अभी प्रेस लिख दिए हैं हमारे बड़ा टीम से, उसको नाम दिए हैं रेड 12, RAD 12, क्योंकि रेडाक्रोम एस्ट्रोनॉमी कोलैबोरेटरी जो है उससे डिस्कवर हुआ है। तो बताना चाहूँगा कि क्या नया चीज़ है उसमें। नया ये है कि सारे बड़े बड़े गैलेक्सीज के अंदर एक सुपरमासिव ब्लैक होल रहता है। सुपरमासिव इन द सेंस कि उसमें मिलियन टू बिलियन टाइम्स मास ऑफ सन होता है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटाइज प्लाज्मा का जेट निकलता है। लेकिन ये जो रेड 12 मिला है, इसमें दोनों साइड में जेट नहीं दिख रहा है। सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन के बावजूद दोनों साइड नहीं दिख रहा है, एक साइड ही दिख रहा है। ये एक पजल है। दूसरा पजल है कि वो जेट जाके और एक गैलेक्सी को हीट कर रहा है। वो अपॉर्चुनिटी है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए समझने के लिए कि एक्चुअली जेट जाके गैलेक्सी से जब टकराता है क्या होता है, वो गैलेक्सी पे क्या तबाही मचाता है। इसी वजह से शायद बहुत साइंटिस्ट यही बिलीव करते हैं कि सब की टकराव की वजह से उसमें कोल्ड गैस बर्बाद हो जाता है, हीटअप हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है। इसकी वजह से नया स्टार फॉर्म नहीं होता है इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी। यही बेसिकली इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है कि गैलेक्सी दो तरह की होता है, स्पाइरल और इलिप्टिकल। तो स्पाइरल्स में नए नए स्टार फॉर्म होते रहते हैं, इलिप्टिकल में फॉर सेवरल बिलियंस ऑफ ईयर नया स्टार फॉर्म ही नहीं हो रहा है। और ब्लैक होल को ही कल्प्रिट साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वो कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है, इसकी वजह से नया स्टार फॉर्म नहीं हो रहा। तो ये जो रेड 12 की डिस्कवरी है, ये हिट कर रहा है दूसरी साइड नहीं है। नया अपॉर्चुनिटी है समझने के लिए कि ब्लैक होल कैसे एक गैलेक्सी का, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी का स्टार फॉर्मेशन फ्यूचर को बर्बाद करता है। और सिटीजन साइंस की डिस्कवरी होने की वजह से पब्लिक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा मतलब की चीज़ है। हमें बताइए रेड एट होम के बारे में कुछ और। थैंक यू शिवा फॉर कवरिंग आर डिस्कवरी। रेड एट होम एक कोलैबोरेटरी है, और वो इंडिया की सबसे पहली ऐसी कोलैबोरेटरी है जो एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च कर रहे हैं। और ये कोलैबोरेटरी सिटीजन साइंस को जोड़ती है। तो मोटे मोटे शब्दों में अगर बताऊं तो इसमें ये होता है कि जिन भी बच्चों ने 12वीं पास करी है साइंस स्ट्रीम से और वो अंडर ग्रेजुएट है किसी BSc या BTech या PE कोर्स में, वो इस कोलैबोरेटरी को ज्वाइन कर सकते हैं। या वर्किंग प्रोफेशनल जैसे मैं हूँ या आप हैं और हमारा बैकग्राउंड साइंस का रहा है, तो हम भी इस कोलैबोरेटरी को ज्वाइन करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी। जी, और काफी सारे लोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स भी जुड़े हुए हैं जो लिटरली एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में कुछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे PI हैं, PI एंड डायरेक्टर डॉक्टर आनंद गुप्ता, वो खुद एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड से हैं, ही इज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर। उसके अलावा इस पेपर में जो हमारे दो बाकी के जो ऑथर्स हैं, जैसे प्रतीक दाभाड़े हैं, डॉक्टर प्रतीक दाभाड़े, ही इज अ पोस्ट डॉक फेलो। उसके अलावा डॉक्टर श्रावणी वर्दी हैं, वो भी RCBO में चीफ है। उसके अलावा चिरंजीव कुनार है, डॉक्टर चिरंजीव कुनार, ही इज अ फैकल्टी इन MIT यूनिवर्सिटी। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सभ्यसाची पाल हैं, डॉक्टर ममता गुलाटी हैं, वो फैकल्टी हैं थापर यूनिवर्सिटी में। सो कई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी के फील्ड से हैं। उसके अलावा ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं जो जिनका ब्रेड एंड बटर एस्ट्रोनॉमी नहीं है मेरी तरह, लेकिन वो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हैं इस कोलैबोरेटरी के थ्रू। यस, वी शिफ्ट आवर गियर। ओके, सो रेड एट होम अभी और भी ज्यादा एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। जो प्रेस रिलीज है वो तो एक बहुत बड़ा काम था ही, बट अभी एक और काम होने जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, रेड एट होम जाने वाला है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है रेड एट होम के लिए, क्योंकि अभी तक हम इंडिया में ही सीमित रह गए थे, लेकिन फाइनली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के थ्रू हमें मौका मिल रहा है कि हम काठमांडू जाएं और IAU सिंपोजियम का हिस्सा बने। वहाँ पे हमारे टॉक्स हैं, हम तीन लोग जा रहे हैं वहाँ पे, मैं जा रही हूँ, डॉक्टर आनंद होता जा रहे हैं और अविनाश कुमार जा रहे हैं। अविनाश कुमार भी एट प्रेजेंट एरीज ऑब्जर्वेटरी जो है वहाँ पे, ही स्टार्टेड वर्किंग देयर अभी कुछ समय पहले। मेघा, इतने सारे लोग जो है वो जुड़े हुए हैं रेड एट होम से, नाउ इट इज अ लाइक पैन इंडिया मूवमेंट, पैन इंडिया कह सकते हैं कोलैबोरेटरी है ये। सो स्टूडेंट्स इस कोलैबोरेटरी से जुड़ते कैसे हैं,
और क्या चीज जो है वो आप लोग देखते हो स्टूडेंट? ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल था शिवा. ये एक्चुअली एक पैन इंडिया ही कोलैबोरेटरी है, क्योंकि भारत के हर कोने से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ इंडिया हो, इवन जम्मू एंड कश्मीर से भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो होता सिर्फ ये है कि हमारा, क्योंकि एक जीरो फंडेड जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फंड नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि सिंपली बाय द मीन्स ऑफ फेसबुक एंड गूगल हम ये कोलैबोरेटरी को चलाते हैं. फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं या प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल जो इंटरेस्टेड हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं. उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो एडमिन देखते हैं कि आपने कौन से मतलब स्ट्रीम से पास आउट करा है, अपना की ग्रेजुएशन किसने की वगैरह वगैरह, आपकी प्रोफाइल फोटो से, और उनको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाता है. और बस वहीं से वो सिलसिला शुरू हो जाता है. जब भी कैंप होती है, वर्कशॉप होते हैं, या ई क्लास होती है जो कि हर शनिवार होती है शाम को 4 बजे, उसमें सब लोग आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. और जो हमारे पीआई हैं डॉक्टर आनंद गुप्ता, वो पूरी तरह से इन सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं. साथ ही जो कोलैबोरेटर्स हैं हमारे, प्रोफेशनल कोलैबोरेटर्स, वो भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़े हुए हैं. जी जी जी, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे एक पैन इंडिया मूवमेंट है. देन उसके बाद सिटीजन साइंस, उसके अच्छा सिटीजन साइंस के बारे में इस पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं. मुझे तो पता है, आपको भी पता है, बट थोड़ा जनता को बताते हैं कि एक्चुअली व्हाट व्हाई वी आर कॉलिंग देम सिटीजन साइंटिस्ट. राइट, तो हम उनको सिटीजन साइंटिस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सिटीजन्स हैं, मतलब इन द वर्ल्ड इटसेल्फ उसका मीनिंग आ रहा है कि वो सिटीजन्स हैं. उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कर ली है या कर रहे हैं, और वो इंटरेस्टेड है कंट्रीब्यूट करने के लिए रिसर्च में और साइंस में. जैसे बहुत सारे सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स रहे, सेटी का जो कि बहुत फेमस है, इतने सालों से चल रहा है, यूनिवर्स है, गैलेक्सीज हुए, लेकिन उनके अलावा भारत का अपना जो सिटीजन साइंस एक प्रोजेक्ट कह लो या रिसर्च कोलैबोरेटरी कह लो, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में रैड एट होम, उसमें कोई भी नागरिक भारत का इस कोलैबोरेटरी से जुड़ सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है और डिस्कवर कर सकता है. जो सबसे खास बात यह है कि आप डिस्कवर कर सकते हैं, और वो डिस्कवरी ही इस पेपर के थ्रू हुई है. जो हमारा ऑब्जेक्ट है रैड 12, वो एक्चुअली डिस्कवर हुआ है, और उसमें सिटीजन साइंस का बहुत योगदान रहा है, सिटीजन साइंटिस्ट का बहुत योगदान रहा है. मैं खुद एक सिटीजन साइंटिस्ट ही हूँ. जी जी जी, बहुत अच्छी बात है कि मतलब लोग जो है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो है, वो प्रैक्टिकली सीख रहे हैं इस चीज़ को. जी, जो हैंड्स ऑन सेशन हम करवाते हैं, जो अलग अलग टूल्स हम सिखाते हैं सारे स्टूडेंट्स को, या जो स्टूडेंट्स नहीं है उनको, मेरे जैसे लोगों को, उससे उनको फायदा हर तरह से होता है. एक तो अब जैसे मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, मेरे को एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े होते हैं उनको ये फायदा होता है कि आगे चलकर जो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स हैं, चाहे वो मास्टर्स के हों, पीएचडी के हों, उसमें उनको काफी बेनिफिट मिलता है. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ई एस्ट्रोनॉमर्स हैं रैडेट होम कोलैबोरेटरी के, जो कि विदेशों में, कई देशों में वो अभी हैं, जो कि अपनी पोस्ट डॉक कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं US में, यूरोप में, काफी सारे देश, पोलैंड, जर्मनी, सो हर जगह मतलब रैडेट होम फैला हुआ है. जी जी जी, तो होप कि आगे भी रैड एट होम की जो फीट्स हैं वो बढ़ती जाएं, और जो डिस्कवरीज हैं वो आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा हमको देखने को मिले. जी, थैंक यू वेरी मच. मोस्ट वेलकम.